सब कब तक चलेगा भाभी? ये खेल हमने अनजाने में शुरू किया था, पर अब लगता है ये किसी न किसी की जान लेकर ही। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी और फिर तीसरी, पहले सुशीला और अब शर्मिला, उसके बाद कोई और। घड़ी कहाँ है मेरी? मुझे नहीं पता, यहीं कहीं रखी होगी। कहीं शर्मिला कमरे में तो नहीं रह गई? रुको मैं देख के आती हूँ। घड़ी तुम्हारे पास रह गई थी? कब से ढूंढ रही थी इसे? ये घड़ी शर्मिला के रूम में थी। ठीक है, नाश्ता लगाओ। इस घर में सदेश्वर द्वारा शर्मिला का शोषण हो रहा था, जिसके जिम्मेदार सदेश्वर के साथ साथ कुछ हद तक रवि और रेवती भी थे। शर्मिला के साथ जो भी हो रहा था उसे शक होने लगा था, यानी कि खेल अब एक खतरनाक मोड़ ले रहा था। ऐसा खतरनाक मोड़ जहां जुर्म की इंतहा होती है। दूसरी तरफ सुशीला नाम की भी एक बैक स्टोरी थी। कौन थी ये सुशीला और शर्मिला को कब और कैसे इन दरिंदों की असलियत का पता चला, आइए देखते हैं। दीदी, जेठ जी की घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? अरे गलती से भूल गए होंगे। पर जेठ जी मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? कल रात जब रवि मेरे साथ थे तब तो वो घड़ी वहां नहीं थी। कोई भूत आया होगा, वो चुपके से वहां रख के चला गया होगा। दीदी ये हंसने की बात नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने जेठ जी को अपने कमरे में देखा था। मेरा मतलब है मुझे लगा। एक बात ना कान खोल के सुन लो, बार बार ये लगना लगाना हमका ना बोलो। हम सब समझते हैं कि तुम्हारे दिमाग में का खिचड़ी पकड़ी है। तुमने हमारे पति की छवि अपने दिमाग में भर ली है, तो हर जगह ये लगना लगाना मत कर, समझ रही हो ना? बीबी जी, बीबी जी, कोई पुराना कपड़ा है तो निकाल दीजिए, एकदम चकाचक नए बर्तन आए हैं। इंटरनेट पे भी ऐसे डिजाइन नहीं मिलेंगे आपको। तुमको कितनी बार कहा है हमको कोई बर्तन नहीं देना है, चलो जाओ यहाँ से। देखिए ना बीबी जी, कोई ऐसा कपड़ा जो काम नहीं आता हो। बुलाना कुछ नहीं चाहिए, चलो निकलो। ठीक है बीबी जी, होगा तो देख लीजिएगा। हाँ बोलो जी। मुझे लगता है ना शर्मिला को ना शक हो गया है। वो आज सुबह ही मुझे ना उस घड़ी के बारे पूछ रही थी। हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं क्या बोलती हूँ, कुछ दिन तक ना हम ये सब बंद कर देते। चुप,
एकदम चुप। पूरी कसर निकाल लिया भी मुझे। और कुछ भी ऊंच नीच होती है ना तो तू संभालेगी, रवि संभालेगा जो तुझे गजरे पहनाता था। और सुन, जरूरत पड़े तो इसका भी वही हाल कर देंगे तो सुशीला का क्या था। ये सुशीला कौन है? सुशीला है नहीं, सुशीला थी। रवि ब्याह कर लाया था या ब्याह कर? मतलब क्या है आपका? मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन एक लड़की आई जरूर थी इस घर में। अब रवि उसे शादी कर लाया था कि ऐसे ही? लेकिन उसका बड़ा भैया है ना चिदेश्वर, वो उसके साथ, तुम समझ रही हो ना? देखो बीवी, मैं किसी से डरती तो नहीं हूं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इस घर पे। तुम अच्छी दिल की लगी, अपना ख्याल रखना। आ दीदी, दीदी बोलू ना, मेरा नंबर ले लो, कभी जरूरत पड़े तो फोन कर देना। कहाँ गई थी? मैंने पूछा बहुरिया कहाँ गई थी? सुशीला कौन है? कहाँ जा रही हो तुम? छुओ मत मुझे। खैर, इतना तो मुझे समझ में आ गया, तुमने मुझे आज तक छुआ ही नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम ये सब? तो बताओ कौन थी सुशीला और कहाँ गई? सुशीला? कौन सुशीला? तुम्हारी लड़खड़ाती जुबान सब बता रही है। और फिर लाडो, मेरी बात सुन, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, समझ मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे, उस दिन भी मैंने इन्हें अपने कमरे से जाते देखा, उसके बाद इनकी घड़ी मेरे कमरे से मिली। रोज शराब पिलाते हो ना तुम लोग मुझे, छोड़ दो मेरा रास्ता, जान दो मुझे। अरे सुन, अरे तुम। हाँ, मैं ही आता हूँ तेरे कमरे में। रवि ने ना तुझे आज तक छुआ भी नहीं है, जानती है क्यों? क्योंकि इन दोनों ने जो पाप किए हैं, तेरे पति और तेरे भाभी ने मिलकर उसका हर जाना तू भुगत रही है। और जब तक भुगतती रहेगी, जब तक ये दोनों प्रायश्चित ना कर ले। और रही बात सुशीला की, तो रवि की गर्लफ्रेंड थी। एक दिन ले आता उसे घर, बस फिर क्या था, उसे भी इन दोनों के पाप का भुगतान भुगतना पड़ा। नानुकुर कर रही थी तेरी तरह, गायब हो गई बेचारी, गायब हो गई। गायब होना चाहती है? चाहते ना मैं। पिंथियां हो चुकी थी इन हैवानों के जुल्मों की, और अब तो शर्मिला को सब पता था। सदेश्वर, रेवती और रवि जैसे लोग हमारे समाज में एक बीमारी की तरह हैं, जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, और ये रोग कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। शर्मिला उनकी इस हैवानियत का शिकार बन चुकी थी।
जो बेचारी एक बेजुबान पंछी की तरह इस जाल में फंस कर तड़प रही थी। हैवानियत का एक ऐसा नंगा नाच आपने कभी देखा ना होगा और ना ही सुना होगा। देखियो क्या था। इसे भी वहीं गाड़ देते हैं जहां सुशीला को गाड़ा था। रवि और सदेश्वर की बात न मानने पर उन्होंने शर्मिला को भी रास्ते से हटा दिया था। जुर्म वो रास्ता है जो बड़ा ही लुभावना होता है, क्योंकि ये अजब खेल है। एक जुर्म की स्याही को मिटाने के लिए दूसरा जुर्म करना पड़ता है। इसका कोई अंत ही नहीं। बेशक रवि और सदेश्वर और रेवती के हौसले बुलंद थे, वो लोग अपने नए शिकार की ओर बढ़ चले। बेशक वो कानून की नजर में धूल झोंकने में कामयाब तो हो गए थे, पर कोई नजर थी जो इन पर टिकी हुई थी। ये देख कितनी हॉट है, शादी कर ले इससे। एक बात बोलो भैया, कब तक चलेगा ये सब? अब तो उम्र भर चलेगा।
मजा आने लगा है इसमें। वही तो कह रही हूँ कि मैंने वो घुंघरू पहने हुए शर्मिला को वहां नाश्ते में देखा। तुम मेरे भरोसा ही नहीं कर रहे हो। जमीन के अंदर गाड़ा था, वो जिंदा कैसे हो सकती है? वही है। कभी आ मेरे साथ। सुनो, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूँ, मुझे भी लेके चलो साथ लूँगी। आ जा। ये देखो, शर्मिला के हाथ और उसके कपड़े। नहीं, ये शर्मिला नहीं है। मैंने शर्मिला को खुद अपनी आंखों से अंदर नाचते हुए देखा है। ये शर्मिला की लाश नहीं है। भाभी आप क्या बोल रही हो, शर्मिला मर चुकी है। देखा, मैंने कहा ना, मैं आवाज सुनाई थी, वो बहुत शर्मिला है। अगर ये शर्मिला का भूत भी है तो इसको भी वहीं पहुंचाना पड़ेगा जहां शर्मिला और सुशीला को पहुंचाया था। आओ मेरे साथ। अरे भैया, वो मैं नहीं कमला थी। दीदी का फोन। हेलो हेलो दीदी। हेलो हेलो कमला। दीदी क्या हुआ? मुझे बचा ले कमला। दीदी रुको, मैं आती हूँ आपके घर। नहीं नहीं नहीं, तू मत आ, मैं आती हूँ। बोलूँ पहुंचते होंगे। एक काम कीजिए, मैं इन लोगों को गुमराह करती हूँ, अब आप
उस वक्त तो मैं अपने गांव भाग गई। पर बाद में जब मुझे उसके पति से पता चला कि उस रात से कमला गायब है, तो कुछ दिन रुक के मैंने पुलिस की मदद ली और तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस ने ये जाल बिछाया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें। हवस इंसान को इतना नीच बना देता है कि कोई आम आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। देखने में कोई काल्पनिक कहानी लगती है, पर एक सच्ची और घिनौनी घटना है, क्योंकि आदमी की सोच जहां खत्म होती है, इन मुजरिमों की सोच वहां शुरू होती है। आज के लिए इतना ही। चौकन्ने रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि ये भेड़िए आपके आस पास ही बसते हैं इंसान की खाल में। तो नजर रखिए अपने आस पास ऐसे किरदारों पर, लोगों को आगाह कीजिए और देखते रहिए क्राइम स्टॉप। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।